मंगल ग्रह हमेशा से ही रहस्यों का विवाद बना रहा है। पिछले 20 सालों से नासा यहां जीवन की तलाश कर रहा है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के उपकरण मंगल ग्रह की सतह और इसके ऑर्बिट में कई सालों से काम कर रहे हैं। इन्हीं उपकरणों की वजह से नासा मंगल ग्रह के बारे में कई सारी जानकारी जुटा पाया है। लेकिन अब सौर संयोजन यानी मंगल ग्रह गायब होने कारण इस पर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि नासा नहीं चाहता है कि जो मंगल ग्रह पर उपकरण है उनको और उनसे मिलने वाले डाटा को कोई नुकसान पहुंचे। सोलर सिस्टम में हर साल सौर संयोजन यानी सोलर कॉन्जंक्शन होता है। यह वो वक्त है जब मंगल और धरती के बीच में सूर्य होता है। इससे दोनों ग्रहों के बीच एक खगोलीय रेखा खींच जाती है, जिससे धरती के लिए मंगल और मंगल के लिए धरती गायब हो जाती है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगामी 11 नवंबर से 25 नवंबर तक यह सौर संयोजन निर्धारित है। यह हर 2 साल में एक बार होता है। इस दौरान मंगल ग्रह या उसके ऑर्बिट में जो भी संचार उपकरण हैं, उनसे स्पेस एजेंसी का कनेक्शन बाधित होता है। सौर संयोजन के दौरान धरती और मंगल के बीच एक खगोलीय रेखा होती है। इससे दोनों के बीच संचार स्थापित करने में मुश्किल आती है, कई बार डाटा भी गायब हो जाता है। ऐसे में नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के वैज्ञानिक डाटा को बचाने के लिए ही एक निश्चित समय के लिए संपर्क बंद कर देते हैं। हालांकि मंगल ग्रह पर जो उपकरण हैं, वे काम करते रहेंगे। नासा के वैज्ञानिक सौर संयोजन से पहले ही उन्हें ऐसा कमांड देंगे ताकि वह डाटा को स्टोर करें और सौर संयोजन खत्म होने के बाद उसे नासा तक भेज सकें। इस बीच यह उपकरण ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं।